नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? जी स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी अभी आप देख रहे होंगे हमें स्टीम लेते हुए। जी हमारा तबीयत तो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम जी अपने सेफ्टी के लिए हरदम स्टीम लेते रहते हैं जी, ताकि कोई भी कफ और सर्दी छू ना सके हमें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी लोग बाहर इकट्ठा होकर के कुछ देख रहे हैं। तो जी ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए दिल्ली सरकार की तरफ से, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। सोसाइटी में जितनी बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग को ये लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा जी हमें यह सरकार का। सुतल छी, अपने पत्नी जल ले हुका लग रहले दैल में, हिंग ले ले गेल बंदू, बहिन के डिब्बी गिर गेल है ना, पैर पहुंचे ना दिली कुकर कर चुकी जा दे। 2 hours later। और दीदी यहाँ बना रही है कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड। कस्टर्ड का यहाँ पर पाउडर देखे थे, हाँ यही वाला डब्बा है ना, कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर होता है। आज मैंगो फ्लेवर में बना रहे हैं, बढ़िया है। एक बार हम कस्टर्ड पाउडर लाए थे, सोचे थे इसे आइसक्रीम बनता है। वो भी बनता है, वो भी बनता है। इसी को बना के फिर उसको ना थोड़ा सा फ्रिज में डाल दो ठंडा होने के लिए, फिर वो जब हाफ जम जाता है ना तो फिर अच्छा। उसको निकाल के फिर उसको क्रश कर लो मिक्सी में, ठीक है, फिर उसके बाद डालो तो जो मार्केट में आइसक्रीम हमें मिलती है ना वैसा बनता है तब जाके। आम का आम की कुछ रेसिपी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो है वो काफी दिनों से कह रहा था, चिल्ला रहा था। अच्छा। आप तो कहती हैं, कहती हैं, आप कभी नहीं बताएंगे। चलो सही है, सरप्राइज देती हूँ। आज एक और खुशी का मौका है, शेयर नहीं करेंगे। A few moments later. 7 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर इसमें पिसा हुआ आम जो कि ये रहा। अच्छा। नी और आम दोनों साथ में पीस लिया था, और ये कस्टर्ड पका लिया है दूध में, जब दूध बॉईल होने के बाद में। अच्छा। फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें 200 ग्राम क्रीम और ये वाला जो प्यूरी है ये मिक्स करेंगे। A few moments later. देख सकते हैं लंगूर को जो ऊपर बैठा हुआ है मामा के ऊपर, इसके मामा बैठे रहेंगे, ये ऊपर आके बैठ जाएगा। बिल्कुल जी, इसको बस मामा का कंधा खाली दिखना चाहिए, आकर के इसका आसन यहीं पर है। The next day. तो जी फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ मोर को देखने। मॉर्निंग में तो पॉसिबल हो नहीं पाता था जी, हम लोग उठ ही नहीं पाते थे। आ गए हैं शाम में, आवाज सुनते रहते हैं मोर का, देखते हैं आज दर्शन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट के साथ सभी आए हुए हैं यहाँ पर और तलाश रहे हैं कि कहीं पर मोर दिख जाए। 20 मिनट्स लेटर। हमें एक मोर जो है छत पर दिख गया है। मोरनी है वो। अच्छा, कि एक मोर यहाँ पर है। अच्छा, दोनों मोरनी है क्या? इसके पंख होते हैं, मोरनी होती है। तो हमें फाइनली सामने से दिख रहा है, कैमरा में आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन सामने से जबरदस्त लग रहा है ये देखने में। तो जो देखने के लिए हम लोग आए थे फाइनली हमें वह दिख गया। 3 मोरनी हमने देखा है अभी तक, और आगे चलते जाते हैं। फर्क इतना है कि सुबह में आते तो वो भी मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं और अभी वो लोग छुपे हुए हैं पेड़। हाँ जी, तो यहाँ से आपको पीछे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या कहीं? दिख रहा है यहाँ से, इधर से तो वो यहाँ पर, हाँ वो छिपे हुए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह पंख फैलाए, लेकिन इस समय वह पंख नहीं फैलाएगी। जब बारिश का समय आता है तब फैलाती है पंख। तो एक बार अच्छा रेनकोट पहन के आएगा। वाह। वो देखिए एक मोर हमें दिख रहा है पत्तों के पीछे, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक उस साइड भी है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा। हमने ढेर सारे मोर देख लिए हैं, अब जाते जा रहे हैं, दिख रहे हैं इस रास्ते में कितने मोर दिखते हैं हमें रेंडमली ना मॉर्निंग में ना, ये ना ऐसे एक लाइन से चलते हैं उड़ते हुए, रोड क्रॉस करते हैं। प्रॉपर इनकी एक मतलब लाइन रहती है ना, अच्छा तो एक बार कोशिश करेंगे जी मॉर्निंग में, मैंने भी ना जब लॉकडाउन, ताकि ये लोग जब खुले में रहे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। लॉकडाउन हुआ था तब मैंने देखा था इन लोगों को निकलते हुए, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर खेत में या फिर पेड़ों पे। अच्छा, और हमें यहाँ भी दिख गए, देख रहे हैं उस छत पे। 5 बजे आते थे और
वाह बहुत बढ़िया। मोर देखने के बाद जो अब है इस खाली एरिया में टहल रहे हैं और जिया अपना पीछे पीछे आ रही है। जिया के साथ धोखा हुआ। जिया कह रही थी हमें नहीं मालूम था मतलब का टहलने जा रही हो, हमें लगा मोर देखना है। जी इसको मोर के नाम पर आगे लेकर आ गए और अब थोड़ा सा इसको वॉक करवा रहे हैं। अभी आप पीछे देखते होंगे केक रखा हुआ है। तो जी यह केक इसलिए है अभी आपको बता देते हैं। जी केक देख लीजिए, केक में क्या लिखा हुआ है 100K। तो आप 100K को देख करके आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि यह सेलिब्रेशन हम किस लिए कर रहे हैं। जी यह सेलिब्रेशन है YouTube पर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम यहाँ पर पहुँच गए जी, जहाँ पर कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक बार हम लोग YouTube पर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यह सेलिब्रेशन जो है हम लोग सोच रहे थे कई दिनों पहले कर ले, लेकिन हो नहीं पाया जी, क्योंकि बीच में आ गया लॉकडाउन और जब लॉकडाउन के बाद हम लोग की खुद की तबीयत खराब हो गई। जैसा कि आप देखे होंगे कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे और आइसोलेशन में चले गए थे। लोगों ने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि इसका कोई सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन एनसी दीदी केक लेकर के आ गई, कहे कि चलो नहीं कैसा भी हो सेलिब्रेशन जरूर करना है। तो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सब कुछ उनकी बदौलत। ये खुशी भी आज आपकी वजह से ही तो से मिली है, तो क्यों नहीं, लेट से ही सही लेकिन करेंगे तो है। हाँ जी। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए केक काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नैन्सी दीदी ने किसी तरह से यह मोमबत्ती का जुगाड़ कर लिया है जी, तो इस लॉकडाउन में इसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। तो हम लोग कर रहे हैं जी, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो खुशियां छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, इनको ठीक करना हो मुझको इनको जुगाड़ मिल जाता है तो ठीक करते रहते हैं, ये काम सब दिन चलता रहेगा। अब इसके काटने के कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या करते हैं, शुरू ही हो रहा है। क्लैप 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 क्लैप। ये हम ही लोग नहीं है, इसके साथ साथ आप सभी यहाँ पर हैं जिनकी वजह से ये 100K है। बिल्कुल जी। जी जब हम लोग YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे थे तब हम लोग सोच रहे थे कि आखिर किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अंत में जो हम है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वही आप लोग को दिखाते हैं। और हमें उम्मीद नहीं थी जी कि हम जो हैं वह आपको दिखा रहे हैं और आप उस चीज को पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू जी, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। और सोचे नहीं थे कि हम लोग 100K हो जाएगा। हाँ जी। तब केक काटना शुरू करते हैं जी, दिखने में बहुत ही यमी यमी लग रहा है, तो जल्दी से इसको काटा जाए और चखा जाए। पानी आ रहा है। आप भी दे सुगर में करा दे मम्मी केक खाते हुए। पापा खुशियों में मीठे से परहेज नहीं करते वैसे। अब लड्डू तुम भी खा लो, और भी बड़ा केक चाहिए। ये गुजरा का क्वेश्चन ये भी था कि जीजा जी नहीं है तो ये रहे जीजा जी जो कभी कभी दिखते हैं। और आप जीजा जी को नैन्सी दीदी स्पेशली टी-शर्ट पहनवा दी। हाँ नहीं तो ये बनियान में दिखते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि जीजा जी नहीं है उनके लिए तो ये है कि जीजा जी यही है, वही है जो गंजी में हमेशा रहते हैं। आज संडे इसलिए हमारे जीजा जी दिख गए, वरना नहीं दिखते। क्या बात है। और जिया दोनों ही एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करते हुए देखे ये लोग किसको किसको लगाते हैं। ये सासू अपना केक को खाते खाते सूंघते हुए भी। हमारे यहाँ था एक छोटा सा सेलिब्रेशन, लेकिन बहुत ही प्यारा सा सेलिब्रेशन अपनों के बीच में कोविड में। हाँ जी। और आप लोग को जितनी बार थैंक यू कहे जी उतना कम है जी, आप लोग के बदौलत ही ऐसा मौका आया है जो हम आज 100K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच।